नए भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान शुरू। पीएम 28 मई को करेंगे संसद की नई इमारत का उद्घाटन। सीएम योगी ने अपने आवास पर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों की समीक्षा, बोले खिलाड़ियों को दे अच्छी सुविधा। नार्को टेस्ट पर बोले सांसद ब्रिजभूषण सिंह, सभी खिलाड़ियों का भी हो नार्को टेस्ट। फतेहपुर में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई, 290 वाहन सीज। कार्रवाई के चलते ट्रक मालिकों में मचा हड़कंप। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। तमंचा कारतूस सहित मोबाइल फोन बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर यूपी में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा की है। बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 आगामी 25 मई से 3 जून 2023 के दौरान प्रदेश के जनपद लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में 25 मई 2023 को आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा और 3 जून 2023 को जनपद वाराणसी में इन खेलों का समापन होगा। वहीं बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। खेल में प्रतिभाग कर रहे सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ के ठहरने और खाने की भी समुचित व्यवस्था की जाए। तो सीएम योगी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों को लेकर अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक की है, जहां तमाम अधिकारियों के साथ ही नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो मेजबानी है वो यूपी तीसरी बार कर रहा है। गोंडा में बीजेपी सांसद बिजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। सांसद ने कहा कि धरना दे रहे पहलवान खुद दलदल में फंसते जा रहे हैं। वहीं नार्को टेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ साथ जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और खास तौर पर बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट तो होना ही चाहिए। कुछ खिलाड़ियों के द्वारा कई दिनों से यह बात उठाई जा रही थी मेरे नार्को टेस्ट के लिए, और कल हरियाणा में एक खाप पंचायत की बैठक हुई और खाप पंचायत में जो प्रमुख डिमांड निकल करके आई हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा कि सांसद जी की यानी ब्रिभूषण सिंह की का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो उसी बात पर मैंने बयान दिया कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। अब विशेष करके बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये खिलाड़ी स्वयं नहीं बैठे हैं, ये बैठाए गए हैं। तो इस खड़यंत्र के पीछे कौन है ये भी होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो 7 हों 8 हों 9 हों 10 हों ये खिलाड़ी जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इनका सहमति पत्र ले लीजिए, क्योंकि नार्को टेस्ट ऐसे तो होता नहीं है। और चूंकि डिमांड उनके तरफ से है तो प्रक्रिया कैसे पूरी होगी उनकी जिम्मेदारी है। तो मैंने एक सुझाव दिया था कि जो भी खिलाड़ी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका एक सहमति पत्र या वकालतनामा इस बात के साथ कि वो इसके लिए तैयार हैं कपिल सिब्बल साहब को भिजवा दें, मैं भी अपना भिजवा दूंगा, हो जाएगा नार्को टेस्ट, या और जिस जिसका चाहें करा लें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी नार्को टेस्ट जो है वो उन खिलाड़ियों का है और मेरा है, और उनको लगता है दाएं बाएं साएं कोई है तो उनका भी करा लें, क्या दिक्कत है।
सुना किस तरीके से जो सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ ही सभी खिलाड़ियों को नार्को टेस्ट कराना चाहिए। स्पेशली बजरंग पूनिया को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो इस खबर पर मुजीब हमारे साथ जुड़े हैं। मुजीब, जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो पहलवान है उनका उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, तो अब दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट को तो तैयार है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का भी होना चाहिए नार्को टेस्ट। जी गुंसाल, आप तो बता दें कि ये दोनों लोगों का आरोप सरकारों सामने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लग गए, अब ये लंबा टूल पकड़ता जा रहा है। पहलवानों द्वारा जो ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके कोच सहित मैनेजर के ऊपर लाइव नार्को टेस्ट की मांग की गई थी, उस पर कल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह लोग अगर अपना शपथ पत्र या जो भी इनको वकालतनामा देना हो, ये कपिल सिब्बल को सौंप दे और इससे मैं भी नार्को टेस्ट लाइव के लिए तैयार हूँ। जी मुस्कान, बिल्कुल मुजीब, जिस तरीके से ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, तो क्या लगता है कि खिलाड़ी भी तैयार हो जाएंगे? जी ये तो देखने वाली बात होगी कि अब इससे कौन खरा उतरता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों लोग का लाइव टेस्ट की मांग की जा रही है, इन्होंने कहा विशेष करके कहा कि बजरंग पुनिया और उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से इसके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन से लोग इसको नार्को टेस्ट के लिए किस उस पर तैयार होते हैं, आपको कल की जिस तरीके से ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से यहाँ पे कल एक आरोप का जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पे काफी वो है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कार्य किया, जो 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 क्या नाम है यहाँ पे फेडरेशन में खेल होता था पहले, मेरे पहले द्वारा कुल एक साल में 3 बार खेल होता था, मेरे बनने के बाद 25 बार की खेल हो रहा है, उसके बाद भी मेरे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सरकार की तरफ से और मैं करोड़ों रुपए खुद ही भी खर्चा करता हूँ इन लोगों के ऊपर, उसके ऊपर यह आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, इसलिए मैं जांच में हर जगह संभव जिस तरीके से होगी मैं मदद करूंगा। मैंने कोर्ट का भी सम्मान किया और जो भी न्यायपालिका का होगा वो मैं सम्मान करूंगा और मैं जिस भी चीज में होगी, जिस भी जांच के लिए तैयार होगी, मैं जहां जाऊँ जो भी जांच होगी मैं वह जांच के लिए तैयार हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 2 से 6 से 7 घंटे तक बयान दे चुका, अगर बाकी कुछ भी बचा होगा तो मैं मुझे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो पदकवीर है और देश इस वक्त जो एकजुट होकर कहीं ना कहीं उन पदकवीरों के साथ खड़ा है, उनके लगातार समर्थन की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें लगातार वो राजनीतिक पार्टियों को बुला रहे हैं, अपने जब प्रदर्शन को उग्र करते हैं तो इन्विटेशन देते हैं, तो आखिर ये कहाँ तक सही है? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से यह दोनों लोगों की लड़ाई काफी दिनों से लंबी चली आ रही है, अब इसमें देखने वाली बात होगी कि इस जिस तरीके से आज उनके जो भी जांच उनके समक्ष आएगी, क्योंकि ये अभी तैयार है वह भी तैयार है, लेकिन अब इस जांच के ऊपर कि दोनों लोगों का एक अपना ईगो जुड़ा हुआ है कि वो नार्को टेस्ट लाइव कराना चाहते हैं, यह भी नार्को टेस्ट लाइव कराना चाहते हैं, लेकिन लिखित में दोनों लोग चाहते हैं। अब उनके साथ अब आज देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उनके साथ काफी राजनीतिक दल भी आ चुके हैं और बाकी जितने भी संगठन वो भी आ चुके हैं, अब कैंडल मार्च से कल जिस तरीके से सरकार को वो लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि इससे आगे की कार्रवाई क्या होती। मुस्कान जी ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल आखिरी मेरा आपसे ये है कि जब पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह बतौर सांसद है और इन पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आखिर इनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? जी इस पर यह हम लोग ने पूछताछ के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं कई 2 से 3 बार जा चुका हूँ दिल्ली पुलिस के पास और 6 से 7 घंटों तक मैं बयान दे चुका हूँ और मुझे पुलिस बुलाएगी तो मैं जरूर उसमें जाऊंगा और सहयोग करूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो आज ये तो आपकी बात तो सही माना जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद में तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन यहाँ पे इनके एक सांसद है और ये कई बार के सांसद है और एक अच्छे नेता भी है, इसलिए अभी इनके ऊपर कार्रवाई जांच के ऊपर की गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुजीब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
खबर अमरोहा से है, जहां समरसता अभियान के चलते दो दिवसीय दौरे पर गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मंझोला में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2000 का नोट चलाया था तो कहा था कि इससे भारत में एक समानता आएगी, काला धन छुपा है वो भी बाहर आ जाएगा, भ्रष्टाचार तक खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब 2024 के चुनाव नजदीक आने पर भारत में एक बार फिर से नोटबंदी जैसी स्थिति को पैदा करते हुए नोटबंदी का भी ऐलान किया गया है। ये बस पब्लिक को भटकाना चाहते हैं। तो अमरोहा में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचने के दौरान जो जयंत चौधरी हैं वो लगातार भाजपा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने 2000 के नोट को बंद किए जाने पर कहा था कि जब भाजपा की सरकार ने 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च किया था तो कहा था कि अब इससे देश में ब्लैक मनी नहीं इकट्ठा होगा, काला बाजारी रुक जाएगी, और ये भी कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यूपी और साथ ही प्रदेश के तमाम जो राज्य हैं वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब 2024 के चुनाव से पहले भाजपा को यही नोट वापस लेने पड़ रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों का जुर्माना वसूला है। खनन विभाग, आरटीओ और सेल्टेक्स की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों पर अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 वाहनों को सीज करते हुए करोड़ों का जुर्माना वसूला है, जिसमें ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। वही मोरंग खदानों में अवैध खनन की शिकायतें मिलने पर खनन अधिकारी राज रंजन ने गुरुवल और गाजीपुर खदान में छापेमारी करते हुए खनन क्षेत्र से बाहर खनन पाए जाने पर दोनों खदान के पट्टाधारकों पर 8 लाख का जुर्माना लगाया है, और खदानों से ओवरलोड ट्रक निकालने पर कई खदान संचालकों को नोटिस भेजते हुए जवाब तक मांगा है। ओवरलोडिंग में करीब करीब 200 गाड़ियां को मैंने पकड़ा था, उसमें करीब 90 लाख रुपए पिछले महीने वसूल हुई थी। इस महीने भी करीब 90 से 100 गाड़ी के आसपास में ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है, और उसमें हम लोग हफ्ते में सेल्टेक्स एआरटीओ साहब के साथ में भी ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। खबर औरैया से है, जहां आबकारी विभाग द्वारा दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अंग्रेजी शराब, देसी मदिरा और बियर की दुकानों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान आबकारी निरीक्षक जयंत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 6 नए आरक्षियां हैं जिनका 1 महीने तक प्रशिक्षण चलेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन्हें जनपद स्तरीय प्रशिक्षण दिए जाने के शासन द्वारा निर्देश मिले हैं, जिसके तहत दिव्यापुर के शराब ठेकों पर जाकर निरीक्षण किया गया और नए आए सिपाहियों को बारीकियां भी सिखाई गई हैं। आज जो निरीक्षण हुआ है ये एक तरीके से ट्रेनिंग थी। हमारे यहाँ जनपद में 6 सिपाही नए नियुक्त होकर के आए हैं, कि उनको ये एक प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है, जो कि दिव्यापुर में जो देसी शराब की दुकान है, अंग्रेजी है, बियर है, इनमें प्रशिक्षण इनको दिया गया है। इनकी एक प्रशिक्षण इनका 3 महीने का पूरा हो चुका है। पुलिस लाइन मुख्यालय लखनऊ में इनका प्रशिक्षण अभी कुछ पहले हुआ है, तो अब इनको हम लोग जो है दुकानों में जो भी कार्यप्रणाली है यहाँ आबकारी विभाग की, जैसे हमारे शराब गोदाम होते हैं और हमारी दुकानें होती हैं, वो कैसे रन करती हैं, उनमें कैसे उनका स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना, ब्रांड्स कितने हैं हमारे अंग्रेजी और देसी बियर में हैं, तो इन लोगों को ये सब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उसके तहत जो है आज दिव्यापुर में प्रशिक्षण दिया गया है इनको, और इनको डेली जो है, आज दिव्यापुर है जैसे, फिर कल बिदुना है, परसों अजीतमल है, इस तरह से इनका ये अभियान जो है 1 महीने का है। खबर औरैया से है, जहां चेकिंग के दौरान एसओजी और पुलिस की लूट की घटना में वांछित अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग भी की गई है, जिससे एक आरोपी नफीस को पैर में गोली लग गई और आरोपी को पुलिस ने सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं उसके साथ ही आसिफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। बता दें कि नफीस के ऊपर अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पूरी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के पास से 312 बोल का इलिसिट वेपन तमंचा मिला है। इसमें एक इसकी मिसफायर है, शायद जिंदा राउंड है या मिसफायर राउंड है,
और एक इसमें खोखा मिला है। इसके अतिरिक्त जो 17 जनवरी की घटना कारित की थी, इसमें एक फोन इनके पास से जो छीना गया था वो बरामद हुआ है, जैसा कि इसने पूछताछ में बताया है। इसको अपने उपयोग के लिए यूज कर रहा था, अभी उसको IMEI वगैरह चेक करके इसकी तस्दीक कर लिया जाए। उन्नाव में मकान के छज्जे का लिंटर गिरने से दो मासूमों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दो बच्चे छज्जे के नीचे खेल रहे थे, इसी दौरान छज्जे का लिंटर गिरने से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दोनों परिवारों में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पर SDM, CO और तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये पूरा मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नेवल गांव का है। तो मलबे में दबकर दो मासूम बच्चों की मौत की खबर है, जहां लिंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दो अलग अलग परिवारों के दो बच्चे काल के गाल में समा गए। जी हां, लिंटर गिरने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही दोनों ही बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं पश्चिमी यूपी के कई जनपदों में देर रात आए तेज आंधी तूफान के कारण वहां जनजीवन प्रभावित हुआ। तो तेज रफ्तार आंधी तूफान के कारण सड़क किनारे खड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए, जिसकी चपेट में आकर बिजली के तार टूट गए और बिजली भी बाधित हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई और 24 मई को तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई थी। उसी कड़ी में बिजनौर जनपद में आए तेज तूफान के कारण जहां सड़क किनारे खड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए, जिस कारण आवागमन भी बाधित हो गया है। तो वहीं पेड़ों की चपेट में आकर बिजली लाइनें भी बाधित हुई हैं, जिससे बिजली विभाग को काफी नुकसान होने की अब संभावना जताई जा रही है। तो बिजनौर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है, जहां तेज आंधी और तूफान ने लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। साथ ही बिजली विभाग की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ी हैं, क्योंकि तेज रफ्तार आंधी की वजह से सड़क किनारे जो पेड़ थे वो भी बुरी तरीके से टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं, जिस वजह से इसकी चपेट में बिजली के खंभे तक आ गए हैं। तो वही बिजली के खंभे भी कहीं ना कहीं टूट गए हैं, जो तारे हैं वो टूट गई है, जिससे बिजली की आपूर्ति तो बाधित हुई ही है, लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए भी मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि आज भी प्रदेश के कई जनपदों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है और जोरदार बारिश भी हो सकती है, जिससे आम जनता को तो राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।